और जहां बिहार सहित देश भर के लोग नए साल के जश्न में डूबे हैं, तो वहीं साल के अंतिम दिन भी पटना नगर के सफाई कर्मियों का दिन संघर्ष और आंदोलन करते हुए बीता। दरअसल नगर पंचायत से हटाए जा चुके सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग के खिलाफ पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन के बाद भी नगर प्रशासन की ओर से किसी अधिकारी ने सफाई कर्मियों से अब तक बातचीत नहीं की। वहीं पिछले दिनों सफाई कर्मियों के समर्थन में पालीगंज के माले विधायक संदीप सौरभ धरना स्थल पर आए और सफाई कर्मियों की मांगों को समर्थन किया है। विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि नगर प्रशासन नियमों की धज्जियां उड़ाकर गलत तरीके से निजी कंपनी के हाथों में सफाई का काम दिया गया है। उन्होंने नगर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोटी कमीशन के चक्कर में सफाई कर्मियों के पेट पर लात मारकर इन्हें नौकरी से निकाल दिया है। यही नहीं बल्कि इनका 13 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है। वह इस मौके पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध सफाई कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। देखिए, तकरीबन 8-9 साल से मजदूर जो पूरे मनेर की सफाई काम में लगे हुए हैं, आज उनको अपने नौकरी के लिए, अपने काम को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इसलिए क्योंकि नगर पंचायत मनेर ने गलत तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा करके सिर्फ कमीशन के लिए एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्सिंग पे लिया, जिसमें पूरा एरिया का जो सफाई का काम है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है, उसका फंडिंग भी ज़्यादा हो रहा है और मजदूर जो थे उसकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई। तो जो मजदूर पहले से काम कर रहे थे, जो सफाई काम में लगे हुए थे, उनको ही दोबारा से लिया जाए, ये मांग हमारी पहले भी रही है, आज भी मांग है।